पहले हमारे होटल का बिजनेस 100% हुआ करता था। लोग दो दो महीने पहले बुकिंग करा लिया करते थे, लेकिन अब वर्षों पुराने कस्टमर्स भी यहां नहीं रुकते। सारा बिजनेस चौपट हुआ जा रहा है। सर, आप तो अच्छी तरह जानते हैं माधव सिंह कितना बड़ा गुंडा है। उसकी पीठ पर हिम्मत भाई जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का हाथ है। सर, आप बुरा ना मानिए, जब सारा शहर हफ्ता दे रहा है तो हम भी दें। गुंडागर्दी बढ़ाने में उनका साथ दें, हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। हमारा चाहे जितना भी नुकसान हो जाए, हम उनके आगे सर नहीं झुकाएंगे। मैं कमिश्नर साहब से इस बारे में बात करूंगा, लेकिन तुम लोग एक बात का ख्याल रखना, इस बारे में सूरज को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। सर, अब सूरज जी को तो ऑलरेडी पता चल चुका है। ओह माय गॉड। चाहिए साहब, सिगरेट या पान? जान चाहिए जान। जान तुम्हारे नायक माधव सिंह के। माधव सिंह के? माधव सिंह के। मारो चूहा। ये लोग मेरी तरफ आ रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं? क्यों, दिखाई देना बंद हो गया क्या? क्या बोला तूने? अच्छा, सुनाई देना भी बंद हो गया? अबे अंधे भैरे, अब तू मर गया? डर गया? मुझे जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं डरूं किससे? देखता हूं इन्हें। मेरी आंखों का प्रॉब्लम यह है कि मुझे दिखते दिखते अचानक देखना बंद हो जाता है, और कानों का ये प्रॉब्लम है कि सुनते सुनते ऊंचा सुनाई देता है। इसलिए कान का मशीन कब लगाना है और ये चश्मा कब लगाना है, कैसे लगाना है, टाइमिंग की तरह गड़बड़े। तो सिंह, मौत तेरे सर पे नहीं फूपा, इनके सामने खड़ी है। सूट बूट पहनकर दादागिरी करने आए हो साहब? अब ठीक है माधव सिंह? अबे ओ, तू पागल तो नहीं है? मौत से डर नहीं लगता तुझको? मौत से वो डरता है जिसे जिंदगी से प्यार हो। तेरी शायरी की तो सूरज, सूरज, डरना नहीं, मैं यही हूँ, तेरे कपड़े मेरे पास है। एक्चुअली मुझे भगवान का नहीं, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे कॉलेज में एडमिशन मिली। सूरज बेटा। माँ जी, कैसे हो बेटा? अरे आपको तो ठंड लग रही है। बेटा पहाड़ पर गई थी ना, वहाँ पर बहुत हवा चल रही है, इतनी ठंड लगने लगी मुझे, मैंने सोचा थोड़ा चल फिर लूं तो गर्मी आ जाए। ये लो, अभी जाकर कंबल खरीदो। चुप 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 बेटा, भगवान तुझे जिंदगी में इतनी खुशियां दे, इतनी खुशियां दे कि हमेशा खुश रहे बेटा, हमेशा खुश रहे। कौन थी ये सूरज? एक दुखियारी है, जिंदगी भर लोगों के बर्तन मांझती रही, कपड़े धोती रही, जानती है क्यों? अपने बेटे के लिए। और जिस दिन ये बेटा बड़ा हुआ, माँ को छोड़कर चला गया, उस दिन से बेचारे पागलों की तरह घूम रही है, भीख मांगती रहती है। That's so sad. अजीब दुनिया है।
अजीब दुनिया ही है। कभी बेटा माँ को छोड़कर चला जाता है और कभी माँ बेटे को छोड़कर चली जाती है। सूरज, अरे क्या बात है, वाह वाह वाह, पूरे बठिंडे की खुशबू आ रही है। ये ले, खा। लेकिन बाबूजी, आप लोग डिनर पे सूरज का इंतजार नहीं करते? सूरज तब तक क्या भूखे मरे? अरे क्या हूँ कर रहे, खाना खा लो। अरे सूरज, आज 9 बजे? अरे सूरज, अच्छा हुआ तुम आ गए। भाई सुना है कि तुमने कुछ नई शायरी लिखी है? एक फड़कता हुआ शेर हो जाए। ओ, हो जाए, जंगल चल के मार के आते। शट अप जोगनू। कमान सूरज, एक शेर हो जाए। ओ, शेर, शेर। सुना दो बेटा, कोई रंगीन सा शेर सुना। तुम्हारे चाचा को अपनी जवानी याद आ जाए। सूरज, कोई भी शेर सुनाना, मगर वो शराब पे मत सुनाना प्लीज। सुना ना सूरज। कमान सूरज। कल शाम से उसके तसव्वुर का नशा था इतना, नींद आई तो आंखों ने बुरा मान लिया। वाह वाह वाह, कल शाम से उसके तसव्वुर का नशा था इतना, नींद आई तो आंखों ने बुरा मान लिया। वाह वाह, क्या बात। राज चौहान, डैमेज चेक अगेन। मेरे नाम से बुकिंग होगा। सॉरी सर, आपके नाम की यहाँ कोई बुकिंग नहीं। आर यू श्योर? वो सूरज का बच्चा कहाँ है? सर, एक्सक्यूज मी सर, आप हमारे बॉस के बारे में बात कर रहे हैं? बॉस होंगे आपके, मेरा तो बचपन का दोस्त है, लंगोटिया यार है। आने 10 साल को तो छापड़ ऐसे लगाऊंगा ना, एक तो हाथ पर छोड़ के मुझे यहाँ बुलाता, ऊपर से रिसीव करने भी नहीं आता, और यहाँ देखो तो कमरा भी नहीं है। गलत बात है ना? गलत बात तो है सर। गुप्ता जी, लगता है सूरज साहब जल्दबाजी में अपने दोस्त की खबर देना भूल गए हैं। लेकिन सूरज साहब ने तो आजकल पीना छोड़ रखा है। शायद इसीलिए भूल गए सर। अच्छा अच्छा अच्छा, कहीं ऐसा ना हो सर ये जल्दबाजी में चले जाए और आपकी नौकरी भी साथ साथ चली जाए। मैं जा रहा हूँ, दिस इज एन इंसल्ट। सर 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 सर, एक्सक्यूज मी सर, वो आप कमरा कमरा कर रहे थे ना, एक्चुअली आपके नाम का स्वीट बुक है सर। स्वीट? जाओ जाओ जाओ, तैयार करो तैयार करो। आई लाइक दैट, आई लाइक दैट, आई लाइक यू। थैंक यू सर। मालिक की गलती छुपाए, नौकर ऐसे ही होने चाहिए। थैंक यू सर। ठीक है, मैं स्वीट रूम में रह जाता हूँ। लेकिन सुनो, सूरज को बताना मत मैं आ रुका हूँ। नो, मैं देखना चाहता हूँ उसे कब मेरी याद आती है। राइट सर। ऐसे मुंडी क्या हिला रहे हैं आप? आपको आपके बाप की कसम है। सर सर, आप शायद अपने दोस्त के बारे में बताना भूल गए थे, लेकिन मैंने उन्हें रहने के लिए स्वीट रूम दे दिया है। दोस्त राजा? और सर प्लीज, आप उन्हें यह मत बताइएगा कि मैंने आपको याद दिला दिया है कि वो आ गए हैं। उन्होंने मुझे मेरे बाप की कसम दी है। कसम दी है ना? सर वैसे भी मेरे बाप का देहांत हो चुका है, तो कसम टूट जाए तो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, स्वीट रूम ना। राइट सर। रखो रखो रखो, कम इन। सर ये दरवाजा बाहर से नहीं खुलता। हाँ तो खोलो ना, मैं खोलूं। सर आपको मैं समझाता हूँ। सर सर, वो क्या है ना, तुम लोग क्या देख रहे हो यार, जाओ ना। अरे रुको, इसका सामान उठाकर बाहर फेंको। सर सर, वो क्या आपस की बात है, आपस में निपटा लेते ना। अरे इनको भी तो देखने दो, यहाँ पर मैं 420 करने वालों के साथ क्या करता हूँ। सर भूख लगी थी सर। सर मैं बर्तन घासने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, मार फेंको। ए क्या कर रहा है यार, जा ना। सर बैग में, चलो तुम ही फेंको। सर बैग में सामान। बैग अप। बैग में। और कुछ लाए थे यहाँ पर? सर इज्जत लाया था, वो भी आपने। इज्जत? सर कसम से अच्छे घर का हूँ मैं। अच्छे घर का? तेरी तो आँख में लग गया। अरे बेटा तुम? अरे रस्तोगी अंकल। आंटी रस्तोगी साहब। आंटी फाइन फाइन, आप इसे जानते हैं? हाँ हाँ भाई, जयपुर का है, बहुत बड़े घराने का है, इसकी बहुत बड़ी कोठी है वहाँ पर। हाँ बताइए। और बेटा छुट्टियाँ मनाने हो यहाँ पर? हाँ, लेकिन कोई अगर छुट्टियाँ मना देते तो ना। अरे नहीं, यहाँ के पहाड़ बहुत खूबसूरत है। हाँ, और यहाँ के पहाड़ खतरनाक भी बहुत है। Enjoy yourself, young man. Enjoy yourself. Bye. सुना आपने? आ जाओ, तुम जाओ। Excuse me. With or without luggage? सब कुछ लेकर अंदर आओ। Thank you. देखो, माना कि तुम्हें कच्चे खानदान से वो लगा। बड़े भाई इसलिए क्योंकि हर बार आपने बड़े भाई की तरह मेरी मदद की। क्या मैं आपको बड़े भाई कह के बुला सकता हूँ? शौक से। थैंक यू बड़े भाई। प्रॉब्लम क्या है? माँ मेरी जबरदस्ती शादी करवाना चाहती, जबकि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। अच्छा, हाँ कहाँ है वो लड़की? पते का तो पता नहीं। हाँ लेकिन पता चला कि वो इसी शहर में है।
बड़े भाई, एक ही झलक में मैं उसे दिल दे बैठा। तुमने उसे फैशन शो पे देखा, तस्वीर भी खींची होगी? देखने से फुर्सत मिलती तब तस्वीर खींचता ना बड़े भाई, होश ही उड़ गए थे। अजीब लग रहा है ना आपको, लेकिन बड़े भैया ये दिल का मामला होता ही ऐसा है। सोच रहे हैं आप, मूड से तो लगता है आप किसी के प्यार के चक्कर में हैं। सोच रहा हूँ कितने बेवकूफ हो तुम, लड़की का पता मालूम नहीं, उसे ढूंढने निकले हो। कैसे ढूंढोगे? आपकी मदद से। बड़े भैया आप मेरा साथ देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। प्लीज बड़े भैया, प्यार का मामला है।